आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। अमेठी जनपद के अंतर्गत शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत शिवली निवासी धर्मेंद्र कुमार पुत्र अंबिका प्रसाद से अज्ञात बदमाशों के द्वारा 9 जून से लगातार फोन के जरिए 10 लाख रुपए रंगदारी के रूप में मांगे जा रहे थे, जो कि 14 जून को लगातार सुबह से बदमाशों के द्वारा कई बार फोन करके दबाव बनाया व आज ही पैसे देने की बात कही और आज ही पैसे न देने पर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी व पैसे देने की जगह भी बताई। इससे परेशान होकर पीड़ित ने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस से संपर्क किया और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए योजना के मुताबिक दो बदमाशों को अमेठी अयोध्या सीमा पर स्थित रीच घाट पुल गोमती नदी के पास से बिना नंबर की अपाची बाइक समेत पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान रोहित पांडे व मोहित पांडे पुत्र मायाराम निवासी दक्षिण पारा थाना रोनाही जनपद अयोध्या के रूप में हुई है। उनके पास से अवैध असला व जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हमारा नाम विकास प्रसाद शुक्ल, ग्राम सेवली। ये जिन लोगों को हमने आज पकड़ा है, ये हमको 9 तारीख से लगातार परेशान कर रहे हैं और हमारे लड़के को कहते हैं कि उनको हम गोली से मार देंगे वरना हमको 10 लाख की आप फिरौती दे दीजिए। आज सुबह से कई बार उन्होंने परेशान किया। हम पुलिस को इतला दे करके कुछ अपने साथियों के साथ उनको बुलाया और कहा कि आइए आपको पैसे हम देते हैं। बाबा के बाजार के इस बार दोनों लोगों को हमने धर दबोचा। पुलिस बल के साथ सूचना दिया, पुलिस बल भी पहुंच गया। कहाँ के रहने वाले, कुछ जानकारी हुई आपको? हाँ, जानकारी ये हुई, उन्होंने बताया कि थाना रौनाही के पास बताते हैं, बिल्कुल कौन गांव, बाकी वहाँ थाने में बताते होंगे, हमको पता नहीं। आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है।